हे गाइस, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम विकास शर्मा, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट MGN मेडिकल कॉलेज कोचबिहार। जैसा कि अभी नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं और उसमें अभी काफ़ी जनों को दिक्कतें आई थी OTP से रिलेटेड, है ना, तो उनका धीरे धीरे तो वो NTA सोल्व कर रहा है। और अभी जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 16 मार्च कर दी है, तो वो भी काफ़ी रिलीफ की बात है। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात देखी गई है वो देखी गई है कि इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो इस बार जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म के जो नंबर हैं वो लगभग 25 लाख क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट फ्राइडे था तब तक 24,60,000 फॉर्म भर गए थे और उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आ गई थी, तो जिसके कारण काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो धीरे धीरे फॉर्म भर रहे हैं। तो ये तय है कि भाई जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस नीट 2024 के वो 25 लाख तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। तो इसके बीच सबसे ज़्यादा जो लोग अभी ये सोच रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, क्या होगा, या कट ऑफ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो भाई आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि कट ऑफ वही रहनी है, यानी कि कट ऑफ जो 2023 की 2022 की थी उससे रिलेटेड ही 2024 की रहने वाली है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 600 प्लस माइनस 10 नंबर आप मान के चलें, या तो 610 जाएगी या फिर 590, इनके बीच में कट ऑफ रहेगी। तो वो तो आप सोचें नहीं भाई, और एकदम मस्त होकर पढ़ाई करें, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो भी जाएगी वो सबके लिए सेम ही रहेगी भाई, और पेपर कैसा आएगा तो वो भी सबके लिए सेम ही आएगा। अगर टफ़ आएगा तो भी सबके लिए टफ़ है, ईजी आएगा तो भी सबके लिए ईजी होगा। तो आप कट ऑफ और पेपर के बारे में ना सोचें और अपना आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और बस पढ़ाई पे ध्यान करें। तो सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी बात थी, और आप एकदम कूल रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू।